भिक्षाम देही। जाओ बाबा आगे बढ़ो, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जो मुझे चाहिए वो बस तुम ही दे सकते हो। अच्छा क्या दे सकता हूँ मैं? जिस काम के लिए शिरडी में रुके हो वो काम मत करो। किस काम के लिए रुका हूँ मैं? भटक गए हो, एक वृद्ध स्त्री को तकलीफ पहुंचाना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मुझे भी खेलना है। हाँ चलो खेलो। अज्जी के हाथ पे ये दाग क्या है? ए फकीर, छुपकर तुमने मेरी बातें सुनी होगी है ना? तू कौन होता मुझे रोकने वाला? मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ, दाग वाली बीमारी गांव में फैलने से रोक रहा हूँ। और जो दाग तुम्हारी सोच पे लगा है उसका क्या? तुम्हारा दाग समाज के लिए कई ज्यादा घातक है, कई ज्यादा नुकसानदायक है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी मानसिकता में दया नहीं है, करुणा नहीं, केवल बदले की भावना है। जो अपनी मातुल्य स्त्री को घर से बेघर कराने की जिद पे अड़ चुकी है। जिस समाज में वृद्धों के प्रति सम्मान, उनके प्रति संवेदना समाप्त होने लगे, समझ लो वो समाज धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा है। ए, चल चल, ये उपदेश किसी और को देना। ए, हमारे साई के बारे में ऐसे बात करेगा तो क्या कर लेगा बताऊ तुझे? केशव, लेकिन साई ये तो, केशव हिंसा हमारा मार्ग नहीं है। क्षमा कीजिएगा साई। राम जी पे जो आश्रित हैं, उन्हें कष्ट पहुंचाओगे तो राम जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे। राम जी भला करें। फकीर, अब तो सरस्वती काकी को उसके राम जी भी नहीं बचा सकते हैं। अज्जी, हे राम जी, चूल्हे पे दूध रख के भूल गई। बेला तुम खेलो, मैं अभी आई। बेला, बेटा दरवाजा खोलो। घर में कोई बड़ा है? सखाराम, मेरी अज्जी है, क्या काम है आपको? तुम्हारे अज्जी का नाम क्या है? अज्जी का नाम, अज्जी का नाम अज्जी है। अच्छा,
और तुम्हारे आई बाबा? वो बाजार गए मसाले बेचने। अच्छा, मैं शायद गलत घर में आ गया। नारायणी को खो चुकी हूँ, अब तुम्हें नहीं खो सकती। आप भी मेरे सबसे अच्छी दोस्त हैं अज्जी। जितना मुझे आपने समझा उतना किसी ने नहीं समझा, किसी ने इतना खेलने नहीं दिया मुझे। मुझे भी आपसे दूर नहीं जाना। राम जी, आपने मुझे फिर से आशा की नई किरण दे दी है। अजी, आपके हाथ पर वो दाग कैसा है? सागर गोटी खेलते हुए देखा था। कैसे हुआ ये? बोलिए ना जी, कैसे हुआ ये? इस बच्ची से झूठ कैसे बोलूं? ये एक बीमारी है। बीमारी? तो आप इसकी दवा क्यों नहीं करवा लेती हैं? क्योंकि इसकी दवा मेरे पास नहीं है। ठीक नहीं होंगी? क्यों नहीं ठीक होंगी? हर मर्ज की दवा है मेरे राम जी के पास। जैसे हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेके आए थे, मेरे राम जी भी मेरे लिए संजीवनी लेके आएंगे। फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। संजीवनी बूटी? हाँ। ये कहाँ मिलती है? मैं बाबा को बोलूंगी, वो ले आएंगे। नहीं, बाबा से कुछ मत कहना। बाबा से कुछ मत कहना। एक बार इस दाग की वजह से मैंने अपना परिवार खोया है। मैं दोबारा इस परिवार को खोना नहीं चाहती। ठीक है, नहीं बताऊंगी। सारे घर देख लिए, सरस्वती काकी कहीं नहीं मिली। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है मंदार। चलो बाजार चलते हैं। बाजार किस लिए? चलो तो बताता हूँ, आओ चलो। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शीरा तैयार है,
जरा चख के देखो और बताओ कैसे बना है। चखने की क्या जरूरत है भाईसामा, मुझे पता है अच्छा ही होगा। इसमें माँ की ममता जो मिली है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पहुंचकर, और मुझे इस बात की खुशी है कि साई बाबा के बुलाए पर आपने विश्वास किया। विश्वास पर नहीं आया हूँ, ऐसे लोग और ऐसी बातों पर विश्वास करना मेरी ज्ञान, मेरी सोच, मेरे विवेक का अपमान है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये साई है कौन और क्यों मुझसे मिलना चाहता है। चलो साईं। राम जी भला करे। अरे वाह, आप तोरण लगा रहे, तो मतलब आज कोई खास बात है। बहुत खास, कोई बहुत खास आ रहा है। साईं, हम ये तोरण क्यों लगाते हैं? ताकि फूल पत्तियों की सजावट देखकर आने वाले लोगों के मन में खुशी उत्पन्न हो और वो सकारात्मक विचारों के साथ खुले मन और हृदय से प्रवेश करें, और जो आ रहा है उसे तो इन सब की बहुत जरूरत है। आओ, किसी से पूछ तो लीजिए कि साईं बाबा कहाँ मिलेंगे। क्यों, यहाँ के लोग तो उन्हें भगवान मानते हैं, कोई मंदिर बनवाया होगा उन्होंने कहीं, देखते हैं। Thank you.
क्या हुआ? सरदर्द हो रहा है? परेशान भी लग रही हो, शायद चिंता करने की वजह से हो रहा है। बिक्री नहीं हुई आज भी? यहाँ मसालों की ज्यादा मांग ही नहीं है, बिक्री हो नहीं रही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। राम जी मेहनत करने वालों के साथ होते हैं, सब अच्छा होगा। क्या आपके यहाँ गेहूं के आटे का शीरा बना है? हाँ, आओ चख लो। नहीं, हमें कहीं जाना है। कहीं पहुंचना तो नियति है तुम्हारी, लेकिन उसकी शुरुआत यहीं से होगी। मुंह मीठा कर लो, तुम्हारे लिए खास बनवाया है नाना। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने ही बुलाया, और मैं ही ना जाऊं? कौन है आप? साईं। साई, तो आपने ही बुलावा भेजा था। आपको कैसे पता कि मैं आने वाला हूं? और आज ही? अब भी प्रश्न है तुम्हारे मन में, लेकिन कुछ उत्तर तर्क और विवेक से परे मिलते हैं, अनुभूतियों में, आभास में। ऐसे अनुभूतियों और आभासों को तर्कहीन समझना भी तो विवेक और ज्ञान का अपमान है नाना। आप मुझे कैसे जानते? क्या चाहिए आपको मुझसे? क्यों बुला रहे थे आप मुझे यहां? वचन पूरा करने, जो मैंने तुम्हें दिया था। वचन? हाँ, हर जन्म में तुमसे मिलने का वचन। पर मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं कि मैंने कोई वचन लिया हो। यही तो याद दिलाना है तुम्हें। चार जन्मों का रिश्ता है हमारा, मुझे पहेलियों में बात करना पसंद नहीं है। पहेली सुलझाने का समय आ गया है, विश्वास करो। विश्वास? मैं विश्वास करूं? मैं आपसे अभी मिला हूं, और आप मिलते ही मुझे पिछले जन्मों का हवाला दे रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मैं आपकी बातों पर विश्वास करूं? गेहूं खत्म हो गया था, इसलिए गेहूं का शीरा नहीं बन पाया तुम्हारे घर में। आज बहुत सारा शीरा बनाया है तुम्हारे लिए, मन भर के खाओ। आओ तुम दोनों। आपको कैसे पता कि हमारे घर में गेहूं के आटे का शीरा? वासाओं से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। सिर्फ शरीर बदला है नाना, ये सत्य तुम जानते हो, फिर भी भूल गए। इनमें जरूर कोई शक्ति है, तभी तो इन्हें हर बात का पूर्वाभास हो गया। पर मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई थी कि मुझे मेरे सपनों में आने वाले फकीर के दर्शन होंगे, लेकिन ये तो वो नहीं है। जी, ठीक हो जाएगा, आप क्यों इतनी तकलीफ कर रही हैं? तकलीफ किस बात की? माँ कहती हूँ ना मुझे, बच्चे बड़ों की सेवा करे तो अच्छा लगता है। अपनों में छोटा बड़ा नहीं होता। अपने आई बाबा की सेवा करके पुनली को भगवान मिल सकते हैं, तो अपने बच्चों का ख्याल रखकर आई बाबा को भी तो स्वर्ग मिलता है ना। पुंडलिक कौन है? बहुत समय पहले पुंडलिक नाम का एक लड़का था, वो बहुत बुरा था। वो अपने माता पिता की बहुत अवहेलना करता था, अपने माता पिता से बहुत बुरा बर्ताव करता था। एक दिन वो कुकुट स्वामी नाम के साधु से मिला, जिन्होंने उसे उसकी गलती का एहसास करवाया। उसके बाद वो इस कदर अपने माता पिता की सेवा करने लगा कि जब खुद कृष्ण भगवान उससे मिलने आए तो वो सीधे उनसे मिलने नहीं गया, बल्कि पुंडलिक ने कृष्ण भगवान की ओर एक ईंट फेंकी और बोला, प्रभु मेरे आई बाबा की सेवा होने के बाद ही मैं आपके दर्शन करूँगा, तब तक कृपा करके आप इस ईंट पर खड़े रहिएगा। अपने माता पिता के प्रति सेवा भाव और प्रेम देखकर भगवान कृष्ण उस पर बहुत प्रसन्न हो गए और उस ईंट पर खड़े हो गए। उस स्थान का नाम है पंढरपुर। आज भी उस ईंट के स्थान पर विठोबा के रूप में कृष्ण भगवान की पूजा होती है। मान्यता है कि आज भी वो उस जगह विठोबा के नाम से विराजमान है। बहुत बड़े व्यापारी है जो हमारे मसाले खरीदना चाहते हैं थोक में, पर मेरे पास उतनी मात्रा में मसाले थे नहीं। फिर? तो वो कल आएंगे मसाले खरीदने। क्या हुआ? सर की मालिश करा रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? सर में थोड़ा दर्द है। थोड़ा आराम कर लो, ठीक लगेगा। हाँ, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं काढ़ा लेके आती हूँ। ठीक है। अज्जी हमारा कितना ध्यान रखती है, मैं भी अज्जी का ख्याल रखूंगी, उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी।
तो बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल मेरी आई के हाथ के स्वाद जैसा। मेरी बाईजा माँ ने जो बनाया है अगर मेरे सपनों में आने वाले फकीर ये नहीं है तो क्या मेरे सपनों का कोई मतलब नहीं है? माई, बड़ी प्यास लगी है, क्या आप मुझे उस मटके से थोड़ा सा पानी लाकर देंगी? अभी देती हूँ साईं। रुको परी, माई को लाने दो। ये मुझसे पानी क्यों मंगवा रहे हैं? तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। इतने दिनों से मैं भिक्षा मांग रहा हूं माई। माफ कर दीजिए साईं, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे सपने निरर्थक नहीं थे। लेकिन साईं, आप हमेशा भिक्षा लिए बिना ही क्यों चले जाते थे? क्योंकि मुझे भिक्षा में अनाज नहीं चाहिए था। जो चाहिए था वो आज तुम ले आई हो। ये क्या हो रहा है? इसका क्या तर्क है? ये सब कैसे संभव है? काम के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक तुम्हारा मन शंका मुक्त नहीं हो जाता। मैं चाहता हूं कि तुम एक दिन शिरडी में बिताओ। थोड़ा समय यहां बिताओगे तो हो सकता है तुम्हारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। मैं यहां रुकने नहीं आया हूं, मैं तो ये जानना चाहता था कि आखिर क्या जरूरी काम है जिसके लिए आप मुझे बार बार संदेश भिजवा रहे हैं। वैसे भी अहमदनगर में बहुत जरूरी काम छोड़कर आया हूं मैं। एक दिन यहां रुकोगे तो द्वारका की शादी की तैयारियों में कोई कमी नहीं आ जाएगी। आप द्वारका के बारे में कैसे जानते हैं? मेरे लिए ना सही, अपने लिए रुक जाओ, सिर्फ एक दिन के लिए। ये भले ही तुम्हें अब समझ में ना आए लेकिन ये तुम्हारे लिए जरूरी है।
आओ रुक जाते हैं ना। मेरा मन कहता है यहां रुकने में ही हमारी भलाई है, अपने लिए ना सही कम से कम मेरी श्रद्धा के लिए तो रुक जाइए। एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा। मैना, एक पल तो बीज की तरह होता है, मानो तो कुछ नहीं लेकिन सोचो तो एक पूरे वृक्ष को जीवन देने की क्षमता होती है उस बीज में। वृक्ष जो फल देता है, छांव देता है, मैना मैं तो केवल एक दिन के लिए कह रहा हूं, एक दिन में बहुत कुछ बदल सकता है। जैसे? हो सकता है शिरडी में रहते हुए तुम्हारे हाथों किसी मां का उद्धार हो जाए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए, गोविंदा मैंने तुमसे कुछ लाने के लिए कहा था। ये लीजिए साईं। कपड़ों की चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था मैंने कर ली है। तुम दोनों के लिए कुछ नए कपड़े सिलवाए हैं मैंने। ले लो। तुम्हारे रहने की व्यवस्था साठेवाड़ा में कर दी है। उद्धव इन्हें वहां ले जाओ। जी साईं। आइए। कैसा है सरदर्द? ठीक है लेकिन थकान अभी भी है। मैं कपूर के तेल से तुम्हारे पैरों की मालिश कर दूंगी, सब थकान निकल जाएगी। नहीं माँ जी, आप खुद सुबह से काम कर रही हैं, थक गई होंगी। माँ की ममता भी कभी थक हार के बैठती है। मैं तुम सो जाओ, मैं तेल लेकर आती हूँ। अज्जी, आई को तेल मैं लगा दूंगी, आप आराम करिए। ठीक है। आपके आने से पहले हम सब एक छत के नीचे होकर भी परिवार की तरह नहीं रह पाए थे, लेकिन आप आई तो मां की ममता भी मिली
और बेटी का प्यार भी लौटने लगा है। अब लगता है कि हाँ परिवार है। ये सच है, अज्जी के आने से हम सब खुश हैं। मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे अज्जी हमेशा हमारे साथ रह सके। चलती हूँ साई, बाजी के सोने का समय हो गया है। बिना मुझसे कहानी सुने सोता ही नहीं है वो। बाईजामा, बच्चों के विकास के लिए कहानियां जरूरी हैं। अच्छी कहानियां बच्चों को बेहतर इंसान बनाती हैं। लेकिन बड़ों का दायित्व है कि कहानी में छुपी जो सीख है उसे स्पष्ट रूप से बच्चों के सामने रखें, उन्हें समझाएं, ताकि बच्चे कहानी का भाव, उनका अर्थ समझने में कोई भूल ना कर बैठे। माजी, बेला घर में नहीं है। क्या? अकेली कहाँ जा रही हो बेटी? संजीवनी लाने, जंगल से। संजीवनी? किस लिए? बाबा से कुछ मत कहना, हाँ? बाबा से कुछ मत कहना। ठीक है,
नहीं बताऊंगी, वो नहीं बता सकती। इरादे नेक हूं तो संजीवनी घर पर ही मिल जाती है, उसके लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी आजी को ठीक करना चाहती हो ना? मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए बेटी, इस तरह रात को अकेले बाहर निकलना, वो भी बिना किसी को बताए, अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हारे आई बाबा जा गए तो वो कितने परेशान होंगे, और तुम्हारी आजी वो भी तो परेशान होंगी। तुम्हें संजीवनी चाहिए ना? मैं ला कर दूंगा बहुत जल्द, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ। चलो। बेला! 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 भाजी, कहीं देखी बेला? नहीं, पूरा गांव ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं दिखी। कहाँ चली गई होगी वो? मुझे तो लगा था कि सब ठीक हो रहा है, ऐसा क्या हो गया कि वो मिलेगी? तुम चिंता मत करो। वो कौन है? माई, आप बेला को लेकर घर जाइए। बेला ने जो किया है उसे उसका एहसास है, उसने मुझसे वादा किया है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। तुम दोनों भी उसे माफ कर देना। ठीक है साईं। सब इतना डर गए थे, कहाँ गई थी इतनी रात? संजीवनी रानी आपके लिए। तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। कुछ नहीं होगा आपको, साईं ने कहा है ना, वो आपके लिए संजीवनी लाएंगे, फिर आप ठीक हो जाएंगी। मुझे आदत ही नहीं रही बेटी कि कोई मेरे बारे में इतना सोचे, इतना करे।
क्या बात है बेटा, बहुत खोए हुए लग रहे हो, किस बात की चिंता है? उस बड़े व्यापारी ने कहा है कि वो मसाला खरीदने आएगा, तो वो जरूर आएगा। माँ जी, वो तो आ जाएगा, लेकिन क्या उसे हमारे मसाले पसंद आएंगे? अरे अचानक ये संदेह क्यों? आज तक हम कभी इतनी भारी मात्रा में मसाले नहीं बेच पाए, पता नहीं क्यों इतनी मेहनत के बाद भी लोगों को हमारे बनाए मसालों में वो स्वाद नहीं आता। अगर आज इन्होंने भी हमारे मसाले नापसंद कर दिए तो? मैं अभी आई। ये देखो, इस मसाले में ये मिलाना होगा। घबराओ मत, मेरा विश्वास करो। ये जी, मैं भी मदद करूं? नहीं, पता चला मदद करने के बदले काम और बढ़ा दिया। तुम रहने दो। बच्ची का मन है तो मदद करने दो ना। आखिर ऐसे ही बच्चे अपने आई बाबा को देखकर ही तो सीखते हैं। ठीक, करो मदद। तो इस तरीके से मसाले बनाने का कभी सोचा ही नहीं था। ये तो हमारे मसालों की काया पलट हो गई। घरेलू नुस्खे हैं और कुछ नहीं, इतने सालों के अनुभव का नतीजा है ये। ये बड़ों का अनुभव ही तो हमारे जीवन में नहीं था, आपने आकर वो कमी भी पूरी कर दी। लगता है वो व्यापारी आ गए। ठीक है, तुम उन्हें बाहर बिठाओ, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ। काका, साई लिंडीबाग से अब तक वापस नहीं आए? आते होंगे। मैं उनके थाली पीट लाई हूँ, यहाँ रख देती हूँ, आप भी खाइएगा। काका, आप ये क्या कर रहे हैं? साई ने कुमकुम से गुट्टल अलग करने के लिए कहा है। काका, एक एक गुट्टल कब तक निकालेंगे? छन्नी से छान लीजिए ना। छन्नी? हाँ, इससे आपका समय बचेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसमें क्या है, अभी कर लीजिए। ये लीजिए, इससे आपको आसानी होगी।
शुक्रिया रंभा। मैं चलती बाका। श्यामा, ये क्या कर रहे हो तुम? गुट्ठल अलग कर रहा हूं साईं। ये गुट्ठल भी तो कुमकुम का ही हिस्सा है श्यामा। ये गुट्ठल की मात्रा ही तो कुमकुम को संपूर्ण बनाती है। अगर इन्हें अलग कर दिया तो कुमकुम का मूल रूप बदल जाएगा। इन गुट्ठल को एक एक करके तोड़ो और बारीक। जी समझ गया सर। वो छन्नी मुझे दे दो। के लिए जा रहा हूं। जी साई। पानी लीजिए। नहीं, मुझे प्यास नहीं है। माजी, इनके लिए कुछ नाश्ता ले आइएगा। एक ऐसी परीक्षा ले रहे हैं आप। सकारम यहां तक पहुंच गया, मेरी रक्षा करिए। आप शायद अपने पिता पर गए हो। आपकी शक्ल आपकी माँ से नहीं मिलती है। दरअसल ये मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन माँ समान है। अभी कुछ ही दिन हुए मिले, लेकिन अब हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी है। यानी इन लोगों ने तरस खाकर सरस्वती काकी को रखा है। अच्छा है, इन्हें सच बताऊंगा तो ये उन्हें आसानी से निकाल बाहर कर देंगे। ये खाना पीना बाद में मानेगी, पहले कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं।
हम नया व्यापार शुरू कर रहे हैं। कोई भी नया संबंध जब बनता है तो विश्वास और सच पर बनता है, इसलिए कुछ चीजें साफ होनी बहुत जरूरी है। जी कहिए। एक सच है जिससे आप अभी तक अनजान हैं, वही सच आप तक पहुंचाना मेरा धर्म है। कैसा सच सकाराम जी? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मानिक जी, आपकी क्या हो रहा है? निकलो, क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है बेटा? बेटा, बेटा, पानी पी लो, पानी पी लो। जानते हुए कि मैं इन्हें नुकसान पहुंचाने आया हूं, ये मेरे लिए इतनी परेशान है। ये लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी घी लेके आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। बेटा अभी ठीक होगा, अभी ठीक होगा। कुछ नहीं होगा। राम जी का स्मरण करो, राम जी का स्मरण करो। वो अपने प्याश्रित का साथ कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। राम जी पे जो आश्रित हैं, उन्हें कष्ट पहुंचाओगे तो राम जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे। हे भगवान,
ऐसे ऐसे अचानक आवाज कैसे चली गई? बेचारा कितना भला इंसान था, भगवान करे वो ठीक हो जाए। साईं कहाँ मिलेंगे इस समय? कह के गए हैं भिक्षा लेने जा रहे हैं, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, नहीं तो आपको पूरी शिरडी में ढूंढना पड़ेगा उन्हें। ढूंढता हूं ना। हुआ साईं आप आ गए, इनकी तबीयत बहुत खराब है, इनको कुछ ना कुछ होते ही रहता है, न जाने भगवान क्यों नाराज है इन पर। मुझे एक प्याला पानी चाहिए। पर हमें कठिनाइयां सही मार्ग पर लाने के लिए देता है। साई, मैं इसे कौन से गलत रास्ते पे चल रहा हूं? किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती चंदू, तुम मेहनती हो, पूरी लगन से अपना काम करते हो, लेकिन उसकी वजह से अपनी सेहत की उपेक्षा करो, ये गलत है या नहीं? शरीर है चंदू, इसे भी तो आराम की जरूरत होती है। हाँ साई, इस बार मुझे ऐसी कमजोरी लगी, ऐसा सरदर्द हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था, और ना ही मैं चाहूंगा कि दोबारा हो। अब सही उत्तर मिला ना, यही सही राह है, और सही राह पर चलोगे तो मुश्किल नहीं होगी। साई, अब अच्छा लग रहा है। शुक्रिया साई। राम जी भला करें।
आपने मुझे किया था साई, लेकिन मैंने ही नहीं माना। आपको कहाँ ढूंढूं, आपको किसी से पूछूं भी तो कैसे। ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? इतनी मेहनत से मसाले बनाए थे, बिक्री की उम्मीद आई थी, वो भी चली गई। चिंता मत करो, आज मैं भी तुम्हारे साथ बाजार चलती हूं। मैं और द्रुपदा इधर उधर घूम के मसालों का प्रचार कर लेंगे, सब अच्छा होगा। राम जी है ना? माँ जी, लेकिन बेला को यहाँ अकेले छोड़कर जाना? गांव की एक बच्ची है रागिनी, उसने बेला को अपने घर बुलाया खेलने के लिए। मैंने बोल दिया है, भाग दौड़ वाले खेल नहीं, दोनों घर के अंदर बैठ के ही खेलेंगी। तुम्हारा हिस्सा है राम जी, आज से हमारे व्यापार में आप भी हिस्सेदार हो, और जिस धंधे में आप हिस्सेदार होंगे उसमें कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चों को कामयाबी देना। बेला, तो अच्छी बच्ची है ना, तो वादा कर अपने आई बाबा की हर बात मानेगी। अज्जी, आप थोड़ी देर के लिए तो जा रही हैं, और आई बाबा भी तो आपके साथ होंगे। ये बात याद रखना, तुम्हारे आई बाबा तुमसे बहुत प्यार करते, इतना जितना कोई नहीं कर सकता। मेरी बात याद रखोगी ना? मैं जो करने जा रही हूं उसके लिए मुझे शक्ति देना राम जी। ये गूंगा साईं से क्या कहना चाह रहा है? मैंने कहा था ना सखाराम,
जो राम जी पे आश्रित हैं, उन्हें दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि पीड़ा सीधे राम जी को होती है। मगर फिर भी तुमने अपनी काकी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। सखाराम, जब तुम्हारी आवाज खो गई तो तुमने देखा ना कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। सब समझने लगे कि तुम विक्षिप्त हो। तुम्हें अब जाकर एहसास हुआ कि जब समाज तुम्हें समाज में रहने लायक ना समझे तो कैसा लगता है। यही किया था ना तुमने अपनी काकी के साथ अपने गांव में, लोगों को भड़काया था उनके खिलाफ। सोचो उन पे क्या बीती होगी जो तुमने कुछ क्षणों में महसूस किया, वो तुम्हारी काकी ने कई दिनों तक सहा है तुम्हारे कारण। लेकिन कमाल देखो, इतनी बुराई के बाद भी तुम सरस्वती माई की अच्छाई को नहीं मार सके। तुम्हारा प्रतिशोध एक स्त्री की ममता के आगे कमजोर पड़ गया और यही तुम्हारे अहंकार की हार है। मैं अपने किए की कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं बाबा, लेकिन एक बार काकी से माफी मांगना चाहता हूं। किसी तरह तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मैं अपने किए पे कितना शर्मिंदा हूं। ताजे मसाले, स्वाद पेट और मन दुरुस्त करने वाले शुद्ध मसाले। आइए आइए, ताजे मसाले लीजिए, ताजे मसाले। आइए आइए, ताजे मसाले। आज भी कोई नहीं आ रहा है। माँ जी गई है ना ग्राहक ढूंढने, मुझे उम्मीद है कुछ अच्छा होगा। माँ जी, ये क्या है माँ जी? देखती जाओ। करना क्या चाह रही है? पुलाव बना रही हूं। पुलाव? वो भी यहां बीच बाजार में? तुम्हें अपनी भूल समझ आ गई है सखाराम। तुम्हारी आवाज तो तभी वापस आ गई थी जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था।
साई। साई। साई मेरी आवाज वापस आ गई साई। साई मेरी आवाज वापस आ गई साई। कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओ साई 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 ओ माफ कर दीजिए साई, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। साई मुझे माफ कर दीजिए साई। तुमने सोचा कि तुम्हारे पिता के हिस्से की जमीन तुम्हारे चाचा ने तुमसे छीन ली और इसीलिए तुम सरस्वती काकी से नाराज थे, लेकिन बदले की भावना अपने मन में पाल के तुमने खुद से अपना विवेक, अपनी अच्छाई को छीन लिया। क्या यह और भी बड़ा अपराध नहीं है? याद रखो सखाराम, परिवार किसी भी समाज की नींव है और ये सबका दायित्व बनता है कि अपने परिवार को मजबूत रखें, और ये सिर्फ प्रेम भाव से संभव है। मैं समझ गया साई, मैं अभी जाकर काकी से माफी मांग लूंगा साई। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। तुम्हारे गलत को सही करने के लिए तुम गांव लौटो और अपने फैलाए झूठ को सब गांव वालों के सामने स्वीकारो, यही प्रायश्चित है तुम्हारा। ठीक है सही। राम जी भला करें। बोल नहीं पा रहे थे ना? वो तो साई की कृपा थी मुझ पर। अपनी आवाज खोकर ही मैं अपने अंतर मन की आवाज को सुन पाया, नहीं तो मैं इतना बड़ा पाप कर बैठता जिसका प्रायश्चित भी संभव नहीं हो पाता। साई ने मुझे बचा लिया। तुम क्या साई पे सालों से विश्वास करते आए हो? मैंने कुछ दिन पहले तक तो उनका नाम भी नहीं सुना था। जब शिरडी आया, एक दिन उनसे सामना हुआ, मुझे लगा कोई भिखारी कोई फकीर है। ये मेरी भूल थी, साई कोई साधारण इंसान नहीं है। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मुझे साई की दिव्यता की जो अनुभूतियां हुई है मैं उनका वर्णन जरूर करता। अच्छा अब चलता हूं, बहुत काम बाकी है। दिव्यता, एक इंसान दिव्य कैसे हो सकता है? दिव्य है तो फिर वो इंसान कैसा? ये सारे लोग झूठ क्यों बोलेंगे? हां, अगर मुझे संदेह करने का अधिकार है तो इन लोगों को विश्वास करने का अधिकार भी तो है। और मैं भी तो साक्षी हूं उस आदमी की आवाज वापस लौटने का। अच्छी खुशबू है पुलाव की।
मसालों की असली ताकत देखनी हो तो उन्हें पकाना ही पड़ता है। इतनी अच्छी खुशबू, क्या पकवान बनाया है आपने? पुलाव बनाया बेटी, और ये महक है ना, इन मसालों की है। इन मसालों से बना हुआ है? ये लो, थोड़ा चख के देखो। ये लो। अरे ताई, आप भी चखो ना पुलाव। ये लो, तुम भी चख के देखो। क्यों, है ना स्वादिष्ट? ये जो मसाले हैं ना, इन्हीं से बना है ये। बहुत बढ़िया, ये मसाले मैं जरूर लूंगी। मैं भी, मेरी सास तो उंगलियां चाटते रह जाएंगी। भाऊ, मुझे एक पुड़िया मसाला दे दीजिए। हाँ जरूर। माजी, आज आपकी वजह से पहली बार हमारे इतने मसाले बिके हैं। आप सच में हमारे जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनकर आई है। आपने हमारे जीवन में माँ की कमी पूरी की है, और बेला ने भी आपको आजी कहकर अपना बना लिया है। अब क्या हम भी आपको आज से आई कह सकते हैं? थोड़े ही मसाले बचे हैं, तुम दोनों बेचकर घर आना, मैं बेला को लेके घर जाती हूँ। ठीक है। आई, हमारे बचे हुए मसाले भी बिक गए। आई, आज तो कमाल ही हो गया, और सब आपकी वजह से। अज्जी अभी तक घर नहीं लौटी हैं। नहीं लौटी? फिर तुम यहाँ कैसे आई रागिनी के घर से? रागिनी की आई छोड़ के गई। क्या? बेला सच कह रही है, आई अंदर नहीं है। कहाँ चली गई?
बाजार से तो पहले ही निकल गई थी। कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं है, वरना वो बेला को रागिनी के घर से जरूर लाती। ये बीमारी है। तो आप इसकी दवा क्यों नहीं करवा लेते हैं? क्योंकि इसकी दवा मेरे पास नहीं है। बेला रो मत, आ जाएगी वो। वो नहीं आएंगी। मैं समझ गई, वो नहीं आएंगी। ये क्या कह रही हो बेला? अज्जी की बीमारी ठीक नहीं हो पाई, इसलिए वो चली गई। बीमारी? कैसी बीमारी? अजी ने मना किया, मैं नहीं बता सकती। बेला अगर तू बताएगी तो हो सकता है हम उन्हें ढूंढ पाए। बोलो बेला। राम जी की मूर्ति भी नहीं है, मतलब वो सच में ये घर छोड़ के चली गई। साई, साई वो। मैं बेला का ध्यान रखूंगा, तुम दोनों उनको जाके ढूंढो। साई, सच सुना है आपके बारे में, आप सब जानते हैं। साई, हमारी आई कहां गई है ये भी तो आप जानते होगे ना? ये तुम दोनों के प्यार की परीक्षा है। अगर तुम उन्हें सच में प्यार करते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें उन तक पहुंचने से रोक नहीं सकेगी, उनसे दूर नहीं कर सकेगी। जो खून के रिश्ते थे उन्होंने विश्वासघात किया, जो प्यार से कमाए थे उनके साथ मैं और धोखा नहीं कर सकती थी। माफ करना माई, आप ठीक तो है ना? कहाँ रहते हैं आप, मैं आपको घर छोड़ दूँ? मेरी किस्मत में परिवार का सुख है ही नहीं, फिर मैं क्यों जी रही हूं?
किसके लिए जी रही हूँ? क्यों भाग रही हूँ? अब और नहीं भागा जाता। ऐसे जीवन से मौत भली। भाऊ, आपने किसी बुढ़ी औरत को देखा जिसके पास झोला था? हम उसे ढूंढ रहे, हमें नहीं, मैंने तो नहीं देखा। आपने यहाँ पे किसी बूढ़ी अम्मा को देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। उनके पास पोटली थी? नहीं। कहाँ गई होगी? वहां देखते हैं। साई, आज ही वापस आएंगी ना? बेटी, जितना प्यार तुम अपनी आजी से करती हो उतना ही आजी भी तुमसे करती है। तो फिर वो गई क्यों? कभी कभी और पास आने के लिए दूर जाना जरूरी होता है। हाँ, जैसा आपने वर्णन किया है वैसे एक बूढ़ी औरत को मैंने कुएं की तरफ जाते देखा था। तुम्हारी आजी अपने रामजी को साथ लेकर गई। आजी तुम्हारी पुकार शायद ना सुन पाए लेकिन रामजी जरूर सुनेंगे। तुम अपनी आंखें बंद करो और रामजी का ध्यान करो। जी साईं। कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तेरी श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम। मेरे राम जी को क्या हुआ? इनकी आंखों में आंसू कैसे? ये मैं क्या करने जा रही थी? आप पे विश्वास कैसे खो दिया? मुझे माफ कर दीजिए राम जी, मुझे माफ कर दीजिए।
साईं, मैंने राम जी से प्रार्थना कर ली, अब आज जी लौट आएंगे ना? कैसे ढूंढ लिया मुझे? मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे घर से गई थी, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ जाओ। आपने खुद देखा ना साई ने कैसे उस आदमी की आवाज लौटा दी। सारा गांव उनकी महानता का कई बार साक्षी रहा है, फिर आपको साई की महानता पर अभी भी विश्वास क्यों नहीं आया? चमत्कार का साक्षी होना एक बात है, हर चमत्कार करने वाला इंसान महान हो ये कोई जरूरी नहीं। और किस बात पर विश्वास करूं मैं? उनका मेरा पिछले जन्म का संबंध है, वचन दिया था उन्होंने मुझे हर जन्म में मिलने का। पिछले जन्म की तो क्या, इस जन की भी उन्हें बातें पता नहीं है। गांव के लोग उन पर विश्वास करते हैं तो करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे नहीं होता है भरोसा उन पे। सिर्फ साई की बात नहीं है, अब तो किसी पर भी भरोसा नहीं करते, मुझ पर भी नहीं करते। मैं समझ सकती हूँ कि आपने जीवन में जो कुछ भी पाया है अपने बलबूते पे पाया है, शायद इसीलिए आप सबसे ज्यादा अपने आप पर विश्वास करते हैं। लेकिन जीवन को और भी अर्थ मिल जाता है जब आप किसी पर विश्वास करते हैं, किसी पे भरोसा करना सीखते हैं। किसी पे आश्रित होना कमजोरी नहीं, कभी कभी ताकत भी होती है। जैसे मैं आप पे भरोसा करती हूँ, आप पे आश्रित हूँ, पर इसे मैं अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत समझती हूँ। इसी तरह आपको भी किसी पर भरोसा करने की जरूरत है। और सारे संकेत यही कहते हैं साही वो व्यक्ति है। अब इस विषय पर और चर्चा ना करें, यही अच्छा है। हम अभी अहमदनगर के लिए निकलेंगे। जाने से पहले एक बार साही के दर्शन कर सकते हैं। समय को आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। हमें अपनी बेटी के विवाह की तैयारियां करनी, हमारी वहां आवश्यकता है। हम अभी प्रस्थान करेंगे। नाना, क्या हुआ? नाना कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए। आई 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 कहाँ हो तुम? अरे आई, लेकिन इनकी आई का तो स्वर्गवास हमारी शादी से पहले ही हो गया था। आहो Thank you.
यहाँ तो नहीं है। फिर कहाँ चली गई? आई सुनिए तो। आई हमारी बात सुनिए। आई 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 हमारी बात तो सुनिए। आई हम आपको वापस ले जाने आए। आई हमसे जो भी गलतियां हुई है उन सबके लिए हम बहुत ही शर्मिंदा है। अब क्या गई, घर की रौनक ही चली गई। रौनक ही नहीं, सारी बरकत भी। आपके जाने के बाद समझ में आया कि हमारी सारी बरकत आप ही से थी। हमारा खानदानी व्यापार आपके सुझावों और मदद की वजह से ही अच्छा चल रहा था। जिस सफलता को मैंने अपनी किस्मत माना उसका कारण तो आपकी समझ बूझ थी। और आई पूरा घर भी आप ही चलाते थे। कितने कम खर्चे में आपने सब कुछ संभाल रखा था, ये बात तो आपके जाने के बाद ही समझ आई। बाबा के समय के जो पुराने ग्राहक थे वो सब भी आप ही को जानते हैं। आप घर छोड़कर गई ये सुन के उनको लगा कि मैंने आपको घर से निकाल दिया। उनमें से कोई भी अब मेरे साथ सौदा नहीं करना चाहता। इसका व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। आई घर लौट चलिए, इस बर्बादी से आप ही हमें बचा सकती। आपको जैसे रहना है आप रहिए, हम कुछ भी नहीं कहेंगे आपसे, हम खुद सावधानी बरत लेंगे। आई को ढूंढ लाइए, उनके बिना हमारा परिवार अधूरा है। उनकी ममता की आदत हो गई है। अब ईश्वर ने पहली बार माँ का हाथ चल दिया, अब उसके बिना नहीं रह जाएगा। दिल रखने के लिए ही सही, एक बार कह देते बेटा क्या आई, तेरी याद आ रही थी इसलिए तुझे लेने आया हूं। लेकिन बुलाने आए वो भी खुद के स्वार्थ के लिए। नहीं आना है मुझे तुम्हारे साथ। Oh,
ये सारी धूल एक ही दिशा में क्यों जा रही है? ये जरूर कोई संकेत है, इधर चलते हैं। आई, आप ऐसे नहीं जा सकती हैं। अरे मैं आपका बेटा हूं, कुछ तो जिम्मेदारी है कि नहीं मेरे प्रति? तो सुन लीजिए, आप जहां भी जाएंगी मैं कसम खाता हूं मैं वहां आकर लोगों को बताऊंगा आपके रोग के बारे में। आपका जीना इतना मुश्किल कर दूंगा कि आपको मजबूर होकर घर लौटना ही पड़ेगा मेरे। आई, कोई नहीं रखेगा आपको, अगर ये सच्चाई पता चल गई तो कोई भी नहीं। आई हमारे साथ रहेंगी। आओ बेटी। तुम्हें अब आराम करने की जरूरत है, आओ। आओ, क्या हो गया है आपको? पता नहीं, मुझे आई की आवाज सुनाई दे रही है, यहीं कहीं से आ रही है, पता नहीं कहां से आ रही है। नाना, आई, कहीं ये कोई साई की लीला तो नहीं? अगर आई बाबा आजी को नहीं ढूंढ पाए तो आजी तो आई बाबा की असली आई भी नहीं है। अगर उन्होंने साथ आने से मना कर दिया तो? आज से कई साल पहले एक मां ने अपने बेटे से कहा था कि मां कोई व्यक्ति नहीं, वो एक प्रवृत्ति है। जिस किसी की जिंदगी में जाती है उस व्यक्ति को आचार, विचार और संस्कारों से समृद्ध कर देती है। आई, आई, आज मैं कक्षा में अव्वल आया हूँ। अब मुझे आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब पढ़ाई पूरी करने के लिए आर्थिक मदद। बापा की कृपा है, मेरे जाने से पहले मुझे ये खुशखबरी मिली है। आई, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुमने तो कहा था सिर्फ बुखार है। तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, पर सच यही है, इस धरती पर मेरी यात्रा पूरी हो चली है। आई, ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? तुमने जीवन भर कष्ट सह सह के मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, और जब समय आया है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, और तुम कह रही हो कि आई मुझे तुम्हारी सेवा करनी है जीवन भर, और तुम हो कि तुम अगर चली जाओगी तो मैं किसके लिए जीऊंगा, अकेला पड़ जाऊंगा मैं, तुम जानती हो ना। माँ कोई व्यक्ति नहीं, एक प्रवृत्ति है। जिस किसी की जिंदगी में जाती है उस व्यक्ति को आचार, विचार और संस्कारों से समृद्ध कर देती है। मैं अगर चली भी जाऊं तो किसी न किसी रूप में तुम्हें मिलती रहूंगी। नहीं आई, तुम मुझे इसी रूप में चाहिए, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, सुन रही हो?
तुमने तो मुझे हमेशा हौसला दिया है, मेरी हिम्मत बढ़ाई है। तुम खुद हिम्मत कैसे हार सकती हो आई? मैं किसकी सेवा करूंगा? कभी भी किसी जरूरतमंद माँ को देखना तो उसकी मदद कर देना, वो सेवा मुझ तक जरूर पहुंचेगी। ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई, राधा को भी नहीं, फिर साई को कैसे? रुको, आप लोग बीच में मत पड़िए, समझे ना? ये हमारे परिवार का मामला है, इन्हें कुछ मत कहना, ये भी मेरा परिवार है, इन्होंने ही मुझे सहारा दिया, मां का दर्जा दिया अपने जीवन में, मान दिया, सम्मान दिया, फिर आप हमें छोड़कर क्यों जा रही है आई? आई, और जिसे आई बोल रही हो उसे जानती भी हो? मां की ममता को जान लिया तो मां को जान लिया। माँ की ममता और माँ के सच को जाना है? अगर इनका सच जान लोगी ना तो खुद ही इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दोगी। देखा, इन लोगों के घर पे रह रही थी आपकी आई, मगर इन लोगों से सच छुपा के, जैसे अभी भी छुपाया हुआ है। अब भी रखोगे इन्हें अपने साथ? आई, ये तो सच है कि आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है। हमने आपको मां कहा और आप? साई के कहने पर हमने आपको घर पर रखा, अब जो भी होगा वो साई के सामने होगा। चलिए। हम सब एक छत के नीचे होकर भी परिवार की तरह नहीं रह पाए थे, लेकिन आप आई तो माँ की ममता भी मिली और बेटी का प्यार भी लौटने लगा है। बेला ने भी आपको आची कहकर अपना बना लिया है, अब क्या हम भी आपको आज से आई कह सकते हैं? मेरा सच जानने के बाद माने का बर्ताव भी बदल गया है, मेरा ये दाग मेरे लिए श्राप बन के आता है। जिसने मुझे सबसे दूर कर दिया है। बात मेरे अलावा किसी ने भी नहीं सुनी वो आपको कैसे पता? मेरी आई को देह त्याग किए हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, फिर मैंने यहां आते कैसे देखा? क्या हो रहा है साई? मैं अगर चली भी जाऊं तो किसी ना किसी रूप में तुम्हें मिलती रहूंगी।
मुझे माफ कर दो साईं, मैं आपको पहचान नहीं पाया, इससे बहुत बड़ी भूल हो गई साईं। नाना, एक सरकारी अफसर होने के नाते तुम समाज का बड़ा उद्धार कर सकते हो, फर्क यही है कि अपनी इस क्षमता को तुमने अभी तक समझा नहीं है। तुम्हें जरूरत थी कि कोई तुम्हें इसका स्मरण करा सके, मैंने तो बस वही किया है। तुम्हें आज से ही शुरुआत करनी होगी। याद है ना, तुम्हारी आई ने तुमसे कहा था कि जब भी किसी जरूरतमंद मां को देखो तो उनकी मदद करो, ये सेवा उन तक पहुंच जाएगी। मुझे आदेश दीजिए साई, मुझे क्या करना है? समय आने पर तुम खुद समझ जाओगे, लेकिन अभी सामने श्यामा रहता है, उसके यहां जाकर उससे कहना कि मैंने कुमकुम लाने के लिए कहा है, और वो ये सुनिश्चित कर ले कि कुमकुम में जो गुठलियां पड़ गई थी वो सारी की सारी ठीक हो चुकी हैं। मुझे अंदेशा है कि बहुत जल्द उसकी जरूरत पड़ने वाली है। जी सर। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए।